हेलो वेलकम फ्रेंड, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है जूनिक हरदीप और हम आज सीख रहे हैं एमएस वर्ड में हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर सकते हैं, और उसका कलर, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं, उसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, और हमारे पिक्चर को हम बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन होगी वो आगे हम सीखेंगे एमएस वर्ड में। उसके लिए हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताए कि ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है और नहीं लगती है। चलिए बिना वक्त जाए कि ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सीधे। देखिए, इधर सबसे पहले हमको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, सीधे यहाँ पर देखा हुआ है इंसर्ट, इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा पिक्चर का, यहाँ पर आपको पिक्चर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पिक्चर पर जब क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर देखिए, इधर आपके पास काफी ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन निकल आएंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर को सिलेक्ट करनी है तो आप उसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे फोल्डर को, और फोल्डर को ओपन करने के बाद ये देखिए मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर इधर पेंगुइन सावा एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर इंसर्ट हमारे पास हो चुकी है। उससे पहले हम देखते हैं जो पिक्चर इंसर्ट होती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इधर यहाँ पर राइट हैंड साइड के यहाँ पर टॉप कॉर्नर में देखिए, इधर यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट और विथ, जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है। इधर देखिए माउस का कर्सर जाने के बाद यहाँ पर देखिए हम हाइट और विथ लिखा है। यहाँ पर आप पिक्चर की जो हाइट है और विथ आप रखना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका साइज कर दिया, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इसकी हाइट 11 सेंटीमीटर कर दी और विथ मैंने कर दी 14.67 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हो गया। अगर अगर आप इसको यहाँ पर से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर माउस के यहाँ पर इधर यहाँ पर देखिए कॉर्नर के जो पिक्चर का कॉर्नर, जहाँ पर मेरा माउस का कॉर्नर है, माउस का कर्सर जा रहा है, उस उधर जाके आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये शॉर्ट किया यहाँ पर, ये कैसे आप कर सकते हैं। और अगर देखिए ये बढ़िया लग रहा है। अगर आपको क्या पार्ट है, आपको कई कई बार होता है पिक्चर का कोई शॉर्ट पार्ट ही चाहिए होता है, वो पिक्चर कोई बार अच्छी नहीं आती, वो पार्ट आपको क्रॉप करना है, तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास क्रॉप। यहाँ पर मैं क्रॉप पर क्लिक करूंगा। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए और जे 12 भी मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बस आपने एंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए हमारी पिक्चर जो क्रॉप हो चुकी है। उसके बाद जैसे हम चलते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है करेक्शन, यहाँ पर आप करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको यहाँ पर काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कलरिंग चेंज हो रही है। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो कलरिंग बहुत ज्यादा चेंज, ब्राइटनेस करना चाहते हैं। और पिक्चर करेक्शन ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसको। यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं, और यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ब्राइटनेस आगे कर सकते हैं। देखिए तो पिक्चर ज्यादा ही डल हो चुकी है, और कंट्रास्ट का थोड़ा सा कंट्रास्ट आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं और इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको देखिए इधर कलर, कलर के ऑप्शन में वैसे ही आ रहे हैं, आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको काफी ज्यादा कलर है, मैंने एक बार आपको एक बार करके दिखा दूंगा। यहाँ पर मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, आप कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इधर देखिए ये पहले हमारी पिक्चर थी, इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आप कलर इसको चेंज कर सकते हैं। मोर वेरिएंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कलर और मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए जैसे ये पिक्चर आ रही है। और अगर आप इसको देखिए इधर इधर देखिए हमारे पास ये ऐसे ही पिक्चर हमारे पास आ रही है। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, रीसेट पिक्चर पर जाना है। रीसेट पिक्चर जो आपने कलर कुछ भी चेंज किया होगा, आपकी जो पिक्चर है वो चेंज पहले जो आपने इंसर्ट की थी वैसे ही आपकी पिक्चर आपके पास आ जाएगी। और आप इसको क्या कर सकते हैं, और आप इसके बाद आपको इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमको क्या है, हम क्या इसको ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे कि इसके जो बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कलर पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा है
उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, यहाँ पर आपको सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो रिमूव करना है उस जगह पे आप जाके इसको क्लिक कर देंगे। इसका कलर वो चेंज नहीं कर रहा है, सेट ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, ऐसे ही पिक्चर रहेगी, आपको वो रिमूव हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हमारे पास है जो पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास जो पिक्चर हमारी होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, जैसे MB GB में होती है, तो आप क्या कर सकते हो उसको कंप्रेस कर सकते हो। अगर आप ये पिक्चर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जाके इधर चेंज पिक्चर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी जहाँ पर आपको आपको जिस मॉडिफिकेशन की हुई है वो पिक्चर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो देखिए मैंने फ्लावर की पिक्चर क्लिक कर दी, उतने ही साइज की हमारे पास वो पिक्चर आ जाएगी। मैंने इसको कंट्रोल कर कर लिया है, मैंने फिर से वही पिक्चर पर काम करना चाहूंगा और ये ऑप्शन आपने सीख लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ऑप्शन, जहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये बॉर्डर, यहाँ पर पेज का फ्रेमिंग कह सकते हैं इसको। जहाँ पर जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे हमारे पास जो फ्रेमिंग है इसको हम फ्रेमिंग कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि पिक्चर की शेप कैसे देना चाहते हैं। मैंने मान लीजिए मैंने इसको राउंड सर्कल में रखना चाहता हूँ, आप देखिए राउंड सर्कल में भी आप रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा देखिए इधर मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप थोड़ी सी इधर देखिए और नीचे देखिए इधर, इसका यहाँ पर शेडो भी दिख रहा है हमारे पास। और पिक्चर के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, आपको देखिए ये बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद हमारे पास आता है पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, इसका जो कलर है यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर का जो व्हाइट कलर है हम इसको चेंज करना है, हमें इसको रेड कलर का करना चाहता हूँ, रेड कलर का आ जाएगा। रेड कलर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स भी आ जाएंगे इसके, यहाँ पर जो आप करना चाहते हैं इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, ये पर देखिए ये भी कलर इसके साथ मैच हो गया है। और उसके बाद आप कहते हैं कि इसकी जो लाइनिंग की बॉर्डर की जो मोटाई है वो थोड़ी सी कम करना चाहते हैं, जो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 1.4 PT, मैं इसको 6 PT कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 6 PT तो पहले ही था, इसको थोड़ा सा आप कम कर देते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया और देखिए ये भी बढ़िया लग रहा है। और पिक्चर बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जो बॉर्डर है वो उसके डिजाइन चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारा बढ़िया है आपको डिजाइन है। मोर लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इधर मोर लाइन्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे ये है, और नहीं तो आप ऐसे ये वाला भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये लग गया है। और पिक्चर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये देखिए पिक्चर इफेक्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इधर ग्लो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखिए इधर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपकी जो पिक्चर की रिफ्लेक्शन है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई शीशा देख रहा है, जैसे हम किसी शीशे कांच में देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कांच में जैसे लग रहा है पिक्चर हमारी। और पिक्चर इफेक्ट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ग्लो ग्लो पिक्चर ग्लो करती हुई आपको नजर आएगी, जैसे मैंने ये कर दिया है पिक्चर जैसे ग्लो कर रहा है, ग्लो इफेक्ट भी लग गया और थोड़ी सी ग्लो भी कर रही है। और पिक्चर इफेक्ट के ग्लो करने के बाद यहाँ पर देखिए इधर आपका कलर चेंज करना चाहते हैं, मोर ग्लो कलर कलर्स, यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये येलो कलर का हो तो आप यहाँ पर येलो, और रेड कलर चाहते हैं तो रेड कलर की ग्लो होगी यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास सारे मान लो आप या ग्लो ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका कलर है और कैसी ग्लो चाहिए आपको, इधर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आपको क्लोज कर देना है, यहाँ पर देखिए इसका कलर ये सिलेक्ट हो गया है और ये ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। कोई भी आप कलर इसमें सेलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका रेडी कर देता हूँ, बढ़िया लग रहा है, ये देखिए ग्लो ऐसी भी हो रही है। उसके बाद हमारे पास है जो पिक्चर की पोजीशन है, पिक्चर की पोजीशन आप कहाँ पर टेक्स्ट रखना चाहते हैं, इन लाइन भी टेक्स्ट रखना चाहते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में रखना चाहते हैं पिक्चर, और सेंटर में रखना चाहते हैं, और इधर राइट हैंड साइड में यहाँ पर टॉप कॉर्नर रखना चाहते हैं, पेज के यहाँ पर इधर राइट हैंड साइड के बिटवीन मिडल में रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं पिक्चर, वहाँ आपको पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। और पिक्चर टेक्स्ट रैप होता है भी आप कैसे रखना चाहते हैं, टॉप एंड बॉटम रखना चाहते हैं, टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसके बिहाइंड रखना चाहते हैं कि टेक्स्ट के यहाँ पर लिखा है उसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी रख सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा,
अगर आप पिक्चर को देखिए, आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप कैसे रोटेट कर सकते हैं? एक तो आप यहाँ पर देखिए, सीधे ही रोटेट कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा सकते हैं जैसे कि मैंने माउस के कर्सर के साथ इसको रोटेट कर दिया। और आप इसको फिर से सीधे करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, इधर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक मिलेगा, बिंदु मिलेगा, उसके आप यहाँ पर जाके ये डिजाइन बन जाएगा जैसे, और उस पर आप माउस का क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऐसे इसको रोटेट कर लेना है। अगर आपको ये नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पर इधर देखिए स्क्रीन का यहाँ पर लिखा है रोटेट, रोटेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप इसको किस तरफ घुमाना चाहते हैं, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, और फ्लिप करना चाहते हैं हॉरिजेंटल को, और फ्लिप हॉरिजेंटल और वर्टिकल करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे भी रख सकते हैं। और आपको ये पर देखिए, अगर आप इसको पिक्चर के ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने देख लिया, मैंने लिखना चाहता हूँ ये कि पिक्चर है जो नेचुरल पिक्चर, आपको कह सकते हैं लिखना चाहता हूँ मैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं? आपको माउस का राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट, उसके बाद आपको बिहाइंड टेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर लिखना चाहता हूँ नेचुरल पिक्चर, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है मैंने नेचुरल पिक्चर। नेचुरल पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर मैंने इसको इसके यहाँ पर ये देखिए जो बढ़िया लगेगा इसके ऊपर वो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ऐसे ये कर देता हूँ। और इसको चेंज करने के बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ये देखिए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसके बाद इसका फॉन्ट भी हम टाइम्स न्यू रोमन में रख देते हैं, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर राइट कर कर दिया है नेचुरल पिक्चर, तो आपको शो हो रहा है। और इसके बाद हमको देखिए, हम इसके ऊपर भी लिखते, हम क्या करते हैं एक पिक्चर और इसके ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं। हमें कई बार आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि एक पिक्चर उसके ऊपर इंसर्ट नहीं हो रही, आपको क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक और पिक्चर इंसर्ट करना चाहता था, मैंने कैसे करूंगा, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर में क्लिक करूंगा, पिक्चर क्लिक करने के बाद मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली, यहाँ पर ये पिक्चर है हमारे पास आ चुकी है, ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है, तो मैं इसको छोटा कर दूंगा इधर माउस के क्लिक के साथ। ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे जैसे ये लगे कि हम वो जो है हमारे पास पिक्चर आ रही है। और इसको हम क्या करेंगे, पहले रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इसको करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद हमको क्या करेंगे, इसको करेंगे सेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड क्लिक करेंगे और इसको बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक कर देंगे। और देखिए हमारी जो पिक्चर है वो पहले ऊपर वाली पिक्चर हमारे पास आ चुकी है, इसको हम देखिए इधर रख सकते हैं, हमारी पिक्चर आ चुकी है, ये दो पिक्चर हो सकती है। आप इसको, अगर आप इस पिक्चर को बैकवर्ड भेजना चाहते हैं तो आप इसको सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, अगर आप इस पिक्चर को सेंड बैकवर्ड करना चाहते हैं तो बैकवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप कैसे करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड भी आपकी पिक्चर जो पहले आ जाएगी, और सेंड बैकवर्ड करेंगे तो आपको सेंड बैकवर्ड हो जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाएगा, वैसे ही आप इस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर छोटा कर देते हैं, दो पिक्चर साइड में रख लेते हैं, हमारी दो पिक्चर हमारी जो इंसर्ट हो चुकी है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी करना, वीडियो को
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लग रही है वीडियो, और हमारे जो एमएस वर्ड की वीडियो अपलोड हो रही है उसके मुताबिक आप कर रहे हो, आप अच्छे से एमएस वर्ड सीख सकते हैं। हमको कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।